हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम किसी भी फिल्टर डेटा में से या फिर आपके कुछ रो हाइड है तो उस डेटा को कॉपी पेस्ट कैसे करना है ये देखेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है और मैं इस पार्टी को यहाँ से फिल्टर कर देता हूँ। अभी इस डेटा को मुझे कॉपी पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रोज है वो हाइड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे रोज हाइड है। यहाँ पर रो नंबर 4, 5 और उसके बाद डायरेक्ट 36 है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 और 5 में डेटा आ चुका है, लेकिन यहाँ पर इसके सामने कोई भी डेटा नहीं है। मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ या फिर अल्ट ए सी इसको 1x1 प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो डेटा है वो एक साथ यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, लेकिन मैं इस तरह से इसको नहीं चाहता। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डेटा है इसी सेम रोज में मैं यहाँ पर इस डेटा को चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, इज इक्वल टू प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अभी ये लिंक के बेस पर जीएसटी नंबर यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इस रेंज को पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी मैं फिल्टर एरिया में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अल्ट सेमीकोलन प्रेस करूंगा। मतलब जो सिर्फ विजिबल सेल्स है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे और मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर ये फॉर्मूला के बेस पर है। तो इसको कॉपी पेस्ट करके पेस्ट एज ए वैल्यू करना पड़ेगा, या फिर आप पहले ही इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अल्ट सेमीकोलन पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू और इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये डेटा इसके सामने ही आ चुका है। मैं यहाँ पर फिल्टर को हटा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए, इस दो रोज में यहाँ पर इसके सामने आ चुका है। और हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो डेटा है वो इसके सामने आ चुका है। अभी हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी यानी कॉपी, कंट्रोल अल्ट वी यहाँ पर वैल्यू के लिए वी और इंटर। इस तरह से आप किसी भी फिल्टर एरिया के डेटा को फिल्टर एरिया में ही पेस्ट करना चाहते हैं तो इस ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।